नमस्कार, चरहट के हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सर्वपित्र अमावस्या पर इन छह को भोजन जरूर कराएं। इन छह को भोजन कराया जाता है, ये बेहद जरूरी होता है। आइए जान लेते हैं श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि कर्म करने के बाद भोजन कराए जाने की परंपरा है। बहुत से लोग यह कर्म नदी के किनारे करने के बाद भोजन कराते हैं और बहुत से घर पर ही यह कर्म करने के बाद भोजन कराते हैं। आओ जानते हैं कि श्राद्ध का भोजन किन को अर्पित किया जाता है। पहला है पंचबली कर्म। श्राद्ध में पंचबली कर्म किया जाता है, अर्थात पांच जीवों को भोजन दिया जाता है। बलि का अर्थ बलि देने नहीं बल्कि भोजन कराना भी होता है। श्राद्ध में गोबलि, श्वान बलि, काक बलि, देवादि बलि और पिपलिका आदि कर्म किया जाता है। आइए जानते हैं, पहला है गोबली, अर्थात गाय को पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। घर से पश्चिम दिशा में गाय को महुआ या पलाश के पत्तों पर गाय को भोजन कराया जाता है तथा गाय को गोम्भ्यो नमा कहकर प्रणाम किया जाता है। दूसरा है श्वान बलि, अर्थात कुत्ते को पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। तीसरा है काक बलि, काक अर्थात कौवे, इस दिन कौवे के लिए छत पर या भूमि पर भी भोजन परोसा जाता है। चौथा है देव बलि, अर्थात पत्ते पर देवी देवतों, देवी देवताओं और पितरों को भोजन परोसा जाता है। बाद में इसे उठाकर घर के बाहर रख दिया जाता है। पांचवा है पीपली का आदि बलि, अर्थात चींटी, कीड़े मकोड़े इत्यादि के लिए भी पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। उनके बिल हो वहाँ चूरा कर भोजन डाला जाता है। पांचवा है ब्राह्मण भोज, इसके बाद ब्राह्मण भोज कराया जाता है। इस दिन सभी को अच्छे से पेट भर भोजन खिलाकर उन्हें दक्षिणा अवश्य दी जाती है। ब्राह्मण का निर्वर्षणी होकर जरूरी है और ब्राह्मण नहीं हो तो आप अपने ही किसी रिश्तेदारों की निर्वर्षणी और शाकाहार लोगों को ही भोजन कराएं। तो ये पांच ऐसे लोग होते हैं जिनको सर्वपित्र अमावस्या के दिन भोजन अवश्य कराना चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि आज की वीडियो को पसंद आई हो तो आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक जरूर शेयर करें, लाइक करें। और यदि आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@hindi@gmail.com। हम इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिख देंगे। यदि आपका कोई सवाल या सुझाव होता है तो आप जरूर मेल करें, हम उसका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।